आईपीएल के इतिहास के सारे ही रिकॉर्ड चकनाचूर हो गए हैं। इन खिलाड़ियों को मिला है 52 करोड़ 25 लाख रुपए दिए हैं टीमों ने अपने साथ शामिल करने के लिए। इन खिलाड़ियों का नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन खिलाड़ियों का नाम रोहित शर्मा नहीं है, नहीं केएल राहुल है और नहीं विराट कोहली है जिनको इतना रुपया दिया है। आइए दोस्तों उन खिलाड़ियों का नाम जान लेते हैं। इसमें आता है बेन स्टॉक्स। जी हाँ, बेन स्टॉक्स को चेन्नई ने दिया है 16 करोड़ 25 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। दोस्तों ये वही बेन स्टॉक्स है जिसने इंग्लैंड को चैंपियन बनाया है। T20 बात करें या फिर ODI वर्ल्ड कप की बात करें तो इसने अपनी टीम को चैंपियन बना दिया है वर्ल्ड कप में। दोस्तों अब आपको बेन स्टॉक्स राजस्थान के लिए नहीं बल्कि चेन्नई के लिए IPL खेलते हुए नजर आएंगे। वही दूसरा नाम है IPL के इतिहास में कैमरून ग्रीन, जिसको मुंबई टीम ने शामिल किया है। IPL 2023 खेलेंगे कैमरून ग्रीन मुंबई के लिए, जिसको 16 करोड़ 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है मुंबई इंडियंस ने। दोस्तों अब उस खिलाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं जिसने IPL के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं IPL के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने हैं ये जिसने सारे ही रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। दोस्तों विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी नहीं बिके थे इतने रुपए के जितने में खरीदा है इस खिलाड़ी को पंजाब टीम ने। दोस्तों ये इंग्लैंड से चलकर आता है, इसका नाम है सैम करन। जी हाँ, इसको 18 करोड़ 50 लाख रुपए देकर पंजाब ने अपनी टीम में शामिल किया। इंग्लैंड का धाकर ऑलराउंडर सैम करन अब आपको पंजाब के लिए खेलते हुए नजर आएंगे IPL 2023 में। अगर दोस्तों शहबाज अहमद की बात करें तो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों शहबाज अहमद को रिलीज नहीं किया है RCB यानी बेंगलोर टीम ने। शहबाज अहमद बेंगलोर की तरफ से ही खेलेंगे IPL 2023, जिसको 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। शहबाज अहमद पर 2024 IPL की बोली लगेगी। दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।